हेलो एवरीबॉडी, मैं सुधोजी चैटर्जी। आज मैं क्लास टेंथ के इंग्लिश का जो आपका मेन बुक है फर्स्ट फ्लाइट, उसका जो सेकंड पोयम है फायर एंड आइस, इसको बताने वाला। ये जो पोयम है फायर एंड आइस, ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखा गया है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक फेमस अमेरिकन पोएट थे। इस कविता को हम लोग देखते हैं। देखिये, पहले हम लोग सबसे पहले इस कविता को एक बार हम लोग पढ़ते हैं। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस, फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस। देखिए, अगर हम इस दुनिया की बात करें, किसी भी धर्म की बात करें या विज्ञान की बात करें, अगर हम धर्म की बात करें तो अलग अलग धर्मों में, अलग अलग धर्म ग्रंथों में ये कहा गया है कि एक दिन जो है हमारा दुनिया डिस्ट्रॉय हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, प्रलय आ जाएगा। उसी तरह से साइंस भी या साइंटिस्ट्स भी ये मानते हैं कि एक दिन जिस तरह से दुनिया की उत्पत्ति हुई है, उस तरह से एक दिन दुनिया का विनाश भी होना तय है। और साइंस के हिसाब से ये विनाश कैसे हो सकता है, ये विनाश हो सकता है ग्लोबल वार्मिंग के चलते, पोल्यूशन के चलते। ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, पूरा विश्व का टेम्परेचर बढ़ रहा है, ठीक है, और इसके चलते हमारा पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ने के चलते, हीट बढ़ने के चलते एक दिन हो सकता है कि हमारे यहाँ का जीवन समाप्त हो जाए। दूसरा ये तर्क साइंटिस्ट लोग देते हैं कि सूरज की रोशनी धीरे धीरे कम हो जा रही है, ऐसा हो सकता है कि कुछ हजार साल बाद सूरज का रोशनी पूरा खत्म हो जाए, सूरज की रोशनी हमारे पृथ्वी तक नहीं पहुंचेगी तो क्या होगी, हमारा पृथ्वी ठंडा होके खत्म हो जाएगा। तो विनाश हो सकता है, ऐसा धर्मों में भी कहा जाता है और ऐसा विज्ञान भी कहता है। तो ये भी पोयम उसी तरह से है। इस पोयम को हम लोग देखेंगे और फिर इसका इनर मीनिंग को भी हम लोग जानेंगे। तो कवि कहते हैं कि सम से, कुछ लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, कि दुनिया जो है आग से, गर्मी से, फायर से खत्म होगा। सम से इन आइस, और कुछ कहते हैं कि आइस से, बर्फ से खत्म होगा। हम लोग देखते हैं कोई भी मुद्दा में पक्ष और विपक्ष दोनों होता है, या लोगों का सोच या राय अलग अलग होता है। तो यहां कभी बोलते हैं कुछ लोग कहते हैं कि दुनिया फायर यानी कि आग से खत्म होगा, कुछ लोग कहते हैं कि दुनिया आइस यानी कि बर्फ से खत्म होगा, यानी कि या तो गर्मी से खत्म होगा या ठंडक से खत्म होगा। फ्रॉम वट आई हैव टेस्टेड, यहाँ टेस्ट शब्द का मतलब हम लोग जानते हैं कि हम लोग टेस्ट, जो कोई खाना को चखते हैं तो उसको टेस्ट करना बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर जो टेस्टेड है, यहाँ पर कभी टेस्ट के टेस्ट वर्ड जो है ये एक्सपीरियंस के लिए बोल रहे हैं। एक्सपीरियंस मतलब अनुभव होता है। फ्रॉम वट आई हैव टेस्टेड या आई हैव एक्सपीरियंस्ड, कि जितना हमको टेस्ट हुआ इस दुनिया का, यानी कि जितना दुनिया का हमको अनुभव हुआ है, एक्सपीरियंस हुआ है, किस चीज का जितना हमको अनुभव हुआ है, ऑफ डिजायर, दुनिया में डिजायर, लोगों के अंदर जो इच्छाएं होती है, डिजायर यानी इच्छा, तो लोगों के मन में जो इच्छाएं होती है उसका जितना हमको अनुभव हुआ है, एक्सपीरियंस हुआ है, या उसको हम जितना टेस्ट किए हैं, उससे हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, आई होल्ड विद दोज, मैं उन लोगों के साथ होल्ड कर रहा हूं, यानी उन लोगों के साथ हूं, उन लोगों का विचार से सहमत हूं, उन लोगों का ओपिनियन से सहमत हूं। क्या सहमत, किससे सहमत हूं, हु फेवर फायर, जो ये बोलते हैं, फेवर करना मतलब पक्ष लेना, यहां पर तरफदारी करना, तो जो फायर का तरफदारी करते हैं या पक्ष लेते हैं। यानी कि कवि कहता है कि दुनिया में दो तरह के लोग हैं, कुछ लोग कहते हैं कि दुनिया जो है आग से खत्म हो जाएगा, कुछ लोग कहते हैं दुनिया बर्फ से खत्म हो जाएगा, लेकिन हम अपने जीवन में जितना जो मेरा अनुभव है डिजायर का, इच्छा का, उसके हिसाब से हम उन लोगों के पक्ष में है, यानी कि मेरा यह मानना है कि दुनिया जो है आग से खत्म हो जाएगा। अब यहां पर डिजायर मतलब हम बोले इच्छा। देखिए, ऐसा माना जाता है कि मनुष्य जो भी गलत काम करता है ये डिजायर के चलते करता है। डिजायर आग के तरह है, हमको मोबाइल फोन लेना है, घर से हमको मोबाइल फोन का पैसा नहीं मिल रहा है, चलो चोरी कर लेते हैं, तो हमको आनंद फरन में कुछ करने का ये पैशन है, ये कुछ करने का हमको, चाहे वो सही है चाहे गलत है हम ये नहीं जानते हैं,
लेकिन हमको ये प्रेरित करता है। तो जिस तरह से लोगों के अंदर, दुनिया में लोगों के अंदर डिजायर भरा हुआ है, हर कोई अमीर बनना चाहता है, हर कोई पावरफुल बनना चाहता है, हर कोई दूसरे को हानि पहुंचा के अपने आगे बढ़ना चाहता है, तो जिस तरह से लोगों का तरह तरह के डिजायर्स हैं, तरह तरह की इच्छाएं हैं, उसके हिसाब से कवि कहते हैं कि हम, मेरे हिसाब से भी आग से ही दुनिया खत्म होगा। यानी कि यहाँ पर ये पर्सोनिफिकेशन है, यानी कि एक नॉन लिविंग इनएनिमेट या नॉन लिविंग थिंग को कवि लिविंग थिंग के रूप में बता रहे हैं। दूसरा सेकंड स्टैंजा पे हम लोग आते हैं, बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, पेरिश का मतलब होता है नष्ट होना, कि अगर मान लीजिए ट्वाइस दोबारा नष्ट होने का मौका मिला, एक बार में नहीं हुआ, दोबारा नष्ट होने का अगर मौका मिला तो क्या होगा। आई थिंक, मैं ये सोचता हूं, मुझे ये लगता है, क्या लगता है कवि को, आई नो इनफ ऑफ हेट, कि हम दुनिया में इनफ ऑफ हेट, हेट मतलब घृणा, ठीक है, हेट मतलब घृणा नफरत, तो हम दुनिया में इनफ, इनफ का मतलब पर्याप्त, हम दुनिया में पर्याप्त मात्रा में घृणा घृणा जानते हैं, काफी, ठीक है, सफिस पर्याप्त है, ये इनफ भी काफी, काफी यानी पर्याप्त, दुनिया में घृणा जो है पर्याप्त रूप में है, काफी रूप में है, हम इतना घृणा जानते हैं दुनिया में है, लोगों के मन में नफरत है इतना, टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस, कि ये कहने के लिए कि डिस्ट्रक्शन के लिए, पृथ्वी का विनाश के लिए आइस जो है इज ऑल्सो ग्रेट, ये भी काफी अच्छा ऑप्शन है, ठीक है, एंड वुड सफाइस, और ये सफाइस होगा, सफाइस वर्ड सफिशियंट से बना है, ये पर्याप्त होगा। क्या कभी क्या कहना चाहते हैं, कभी ये कहना चाहते हैं कि हमारे मन का जो इच्छाएं हैं, डिजायर्स हैं, वो आग के तरह है, और हमारे मन के जो हेट है, घृणा है, नफरत है, वो बर्फ के तरह है। किस तरह से, कि हमको अगर किसी को हम डायरेक्टली अगर हम हार्म नहीं कर सकते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, अंदर ही अंदर उस गुस्से को पाल के रखते हैं, ओ वो हमको मारा, रुको एक दिन हम उसको अकेले में पीटेंगे। तो ये घृणा जो है, हेट जो है, ये आइस की तरह है, ये हमें बर्बादी की तरफ ले जाता है। उसी तरह से डिजायर्स, ठीक है, इच्छा होना अच्छी बात है, लेकिन गलत इच्छा या बहुत अति महत्वाकांक्षी इच्छाएं, ये आग की तरह होता है, तो दोनों ही हमको बर्बाद कर सकते हैं। तो कभी यहाँ पर हमको ये सीख देना चाहते हैं कि हमारे जीवन में अकारण हम अगर बहुत ज्यादा इच्छाएं करेंगे, जोरों से ज्यादा इच्छाएं करेंगे, एक बूढ़े बुजुर्ग लोग कहावत भी बोलते हैं कि जोरों से ज्यादा पैर नहीं फैल, चादर में पैर नहीं फैलाना चाहिए, जितना बड़ा चादर है उतना ही पैर फैलाना चाहिए, तो हमारे इच्छाएं भी लिमिट्स में होना चाहिए, अनलिमिटेड अगर इच्छाएं होगा तो ये हमको बर्बाद कर देगा। उसी तरह से हेट, हमारे मन में जो घृणा है, नफरत है, वो लोगों के प्रति बहुत ज्यादा होगा, हम मन ही मन कूड़ेंगे, उसको जिसके बारे में गुस्सा कर रहे हैं, जिससे घृणा कर रहे हैं, उसको पता नहीं, लेकिन उसके बारे में सोच सोच के हमारा रातों का नींद आराम हो जाता है। तो इस तरह से डिजायर जो है याद की तरह है, हेट जो है आइस की तरह है, और दोनों ही हमको यानी कि पूरा दुनिया को बर्बाद करने के लिए पर्याप्त है, ठीक है। अब हम लोग इसका राइम स्कीम देखेंगे। इसका राइम स्कीम हम बताए थे कि किस तरह से हम लोग निकालते हैं, तो अंतिम वर्ड में, पिछले पोएम में हम बताए थे आपको, अंतिम कोई भी लाइन का अंतिम जो वर्ड है उसको हम लोग देखते हैं कि कौन किससे राइम कर रहा है। तो पहला में देखिए ये फायर है, दूसरा में आइस है, एक दूसरे से राइम नहीं कर रहा है, तुक नहीं बन रहा है, तो ये इसको ए बना दिए, इसको बी बना दिए, ठीक है। तीसरा डिजायर है, डिजायर जो है फायर से राइम कर रहा है, तो ये ए रहा। चौथा फायर है, फायर भी डिजायर और फायर से राइम कर रहा है, ये भी है। पांचवा में ट्वाइस है, ट्वाइस जो है आइस से राइम कर रहा है, ये भी है। फिर यहाँ एक नया वर्ड आ गया हेट, ना तो ये ए है ना बी है, तो इसको सी बना दिया। उसके बाद फिर है आइस, तो आइस आइस ये बी हो गया। फिर ग्रेट, ग्रेट हेट से राइम किया, ये सी हो गया। फिर सफाइस आइस से राइम कर दिया। इस तरह से इसका राइम स्कीम ए बी ए, ए बी सी, बी सी बी है। राइम स्कीम आपको मैट्रिक में नहीं पूछता है, लेकिन हम आपके जानकारी के लिए बता दिए, ठीक है, इसको समझिए, और उसके बाद हम आप लोगों को फिर नोट्स भी प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू।